Hello everyone, I am Supriti and welcome back to a new lesson. In today's lesson, we are gonna look at gender nouns. Yes, what comes to your mind, children? When you talk about gender classification, well, the common gender classification categorized are masculine gender, feminine gender, common gender and neuter gender. अगर मैं आपसे कहूँ चाइल्ड यानी बच्चा, ये किस जेंडर में है? या नेबर पड़ोसी, ये किस जेंडर में है? तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ आप में से कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे और बता नहीं पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इस टॉपिक को समझ लेते हैं। छोटी सी वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखिए ये जो चार जेंडर है, मस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। इन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं? मस्कुलिन जेंडर को कहते हैं पुलिंग, फेमिनाइन जेंडर स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर उभयलिंग, न्यूटर जेंडर नपुंसकलिंग। तो ये जो मैस्कुलिन जेंडर है, ये डिनोट करता है किसी मेल एनिमल को, यानी ये किसी पुरुष जाति का बोध कराता है। एग्जाम्पल जैसे देखिए, बॉय मैन, फिर है किंग, ब्रदर सन, अंकल सन। ये जितने भी नाउन है वो किसे डिनोट करता है? मेल को। एक एग्जाम्पल देखिए, विजार्ड, ये किसी जादूगर को डिनोट करता है। जादूगर बोला तो आपके दिमाग में तुरंत आता है एक आदमी जो जादूगर है, यानी मेल है। और अगर बोला जादूगरनी या विच, तो ये महिला जाति को बताता है। तो ये फेमिनाइन जेंडर है जो किसी स्त्री का बोध कराता है। एग्जाम्पल है देखिए, गर्ल वुमन सिस्टर क्वीन डॉटर आंट, ये सारे फेमिनाइन जेंडर्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, कॉमन जेंडर, ये या तो पुरुष जाति या स्त्री जाति को बोध कराता है। जैसे चाइल्ड माने बच्चा, ये या तो मेल या फीमेल भी हो सकता है। तो ये चाइल्ड वर्ड कहने से ये पता नहीं चल रहा है कि ये लड़का है या लड़की है। तो इनके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? जैसे चाइल्ड, बेबी, कैंडिडेट, क्लासमेट, स्टूडेंट, पर्सन, है ना? तो ये सभी में ये पता नहीं चल रहा है कि किसी पुरुष या स्त्री की बात हो रही है, इसीलिए ये सभी क्या है? कॉमन जेंडर है। अच्छा, न्यूटर जेंडर में ऐसे जितने भी नाउन हैं जो ना तो मेल को डिनोट करते हैं और ना फीमेल को, तो एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे देखिए, पेंसिल प्लांट पेन बेड किचन, फिर है रूम बुक मैंगो, ये सारे जो हैं कुछ एग्जाम्पल्स हैं न्यूटर जेंडर के। ओके, ये किसी ना किसी चीज के नाम हैं, लेकिन ना तो ये मेल को और ना ही ये फीमेल को डिनोट करते हैं।
ये क्या है, न्यूट्रल जेंडर। अब यही अगर मैं एक वर्ड यहाँ पे रख दूँ जैसे क्लेवर और पूछूँ कि ये किस जेंडर में है, तो जरा सोचिए कि आपका जवाब क्या होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि मैडम चालाक जो है वो ना तो मेल है और ना फीमेल है, ये तो न्यूट्रल जेंडर में हो सकता है, क्योंकि इस जेंडर में कौन हो सकता है जो ना तो मेल और ना फीमेल होता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो वर्ड क्लेवर, क्या ये नाउन है, क्या ये किसी का नाम है, ये तो क्वालिटी है। जैसे मैं कहूँ वो लड़का चालाक है, तो ये उस लड़के की क्वालिटी बता रहा है, या वो लड़की चालाक है तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है उस लड़का या लड़की की। तो ये वर्ड नाउन नहीं है, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। क्योंकि एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो किसी व्यक्ति के क्वालिटी के बारे में या उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। तो अगर कोई ऐसा वर्ड आपको पूछा जाए तो आप कंफ्यूज होकर न्यूट्रल जेंडर मत बोल देना, क्योंकि तब आपको सोचना होगा कि ये वर्ड नाउन है भी या नहीं, क्योंकि जेंडर में नाउन होता है, ना कि एडजेक्टिव और वर्ब या कोई भी और। तो आपको क्लियर हो गई है कि मस्कुलिन जेंडर में पुरुष जाति का बोध कराता है, फेमिनाइन जेंडर में स्त्री जाति का बोध कराता है, फिर है कॉमन जेंडर में या तो पुरुष या स्त्री जाति को बोध कराता है, फिर न्यूट्रल जेंडर में ना पुरुष ना स्त्री जाति का बोध कराता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिन्हें लिविंग बींग्स की तरह ट्रीट किया जाता है। वैसे तो वो लिविंग होते नहीं हैं, जैसे अगर हम बात करें सूरज की, सूरज को सन कहते हैं और ये एक ग्रह का नाम है, और ये ना तो कोई ग्रह यानी प्लैनेट, और ये ना तो कोई मेल है ना तो कोई फीमेल है। अच्छा, एक कविता की एक पंक्ति सुनाती हूँ आपको, देखिए। द सन हैज गॉट हिज हैट ऑन एंड ही इज कमिंग आउट टुडे, नाउ वी विल ऑल बी हैप्पी। इसका मतलब है सूरज ने अपनी टोपी पहन ली है, तो यहाँ पे सूरज को एज अ लिविंग बींग ट्रीट किया जा रहा है, यानी उसे सजीव की तरह पर्सोनिफाई किया जा रहा है। अब पर्सोनिफाई का मतलब होता है किसी निर्जीव को लिविंग की तरह सिंबलाइज करना। जैसे मैं बात करूं एक सेंटेंस की, देखिए। इंडिया इज अ कंट्री, शी इज वेरी रिच इन कल्चर। यहाँ पे शी प्रोनाउन का यूज इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पे इंडिया एज अ फीमेल ट्रीट किया गया है, हालांकि इंडिया इज अ नेम ऑफ कंट्री। ओके, इट इज अ नेम ऑफ अ कंट्री एंड इज नॉट अ लिविंग बींग। पर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं ब्रिटिश इंग्लिश में जहाँ पर इंडिया को एज अ कंट्री फीमेल पर्सोनिफाई किया जाता है। ओके, अब देखिए किस तरह से नाउन को
नाउन्स को मस्कुलिन से फेमिनाइन बनाया जाता है। कई मस्कुलिन वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके एंड में ई डबल एस या आई एन ई का यूज करके उसे फेमिनाइन बनाया जाता है, जैसे लायन का लायोनेस, एक्टर का एक्ट्रेस, हीरो का हीरोइन, टाइगर का टाइग्रेस, वेटर का वेटरेस, बॉय का गर्ल, हस्बैंड का वाइफ, बैचलर का स्पिंस्टर, हॉर्स का मेयर, बुल का काउ, कॉक का हेन, नेफ्यू का नीस, सर का मैडम, सन का डॉटर, पीकॉक का पी हेन। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। उम्मीद है आज के इस वीडियो से आपने जेंडर टॉपिक को अच्छे से समझ लिया है। फिलहाल आज के लिए यही तक। मिलते हैं अगले लेक्चर टॉपिक वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।